गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब भाई? होप आप सब खैर खैर से। आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानियां खत्म करें, आमीन सुम आमीन। सो ये नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे लाइक हम लोग के पेस्ट कंट्रोल आके चले गए थे। सो मैंने सब सामान अच्छे से फिर जमा दी थी क्लीन करके। एक दो घंटा हम लोग को नहीं आना था किचन में। उसके बाद हम लोग सब आके सब काम पटा लिए थे और लाइक वॉशरूम में भी करे थे। सो वॉशरूम और किचन हम लोग को एक दो घंटा खाली ही रखना था। सो ये सब काम वाम हो गया था। फिर हम लोग ने लंच बाहर से ही मंगा लिए थे। तो भी बस फैसल और नुमान ने जाके लंच लेके आ गए थे। सीख और टिक्का पीस और चपाती ले लिए थे। और एक दिन पहले की लाइक मेरी कढ़ी और खिचड़ी भी थी। और उस दिन फैसल की हॉलीडे थी क्योंकि फैसल ने तबीयत ठीक नहीं थी, तो फैसल ने एक दिन की लीव लिए थे और आराम कर रहे थे। फिर यहाँ बस शाम हो गई थी, बच्चे लोग थोड़ा खेल रहे थे, सब काम वाम डन होके मुझे लेट हो गया था। अभी मैं रिलैक्स कर रही थी। ओके, सो अभी हम लोग का सब काम डन हो गया जो कल मैंने निकाली थी। आप लोग को आज बताई जब रख रही थी, कल जो लास्ट वीडियो में अपलोड करी थी, सब निकालने का आज सब रखे हम लोग ने। अभी मैं रिलैक्स हुई हूँ, मतलब सब काम डन हो के अभी फ्री हुए हम लोग। ये रिहूरी और अभी बस बैठे, फिर मिलती हूँ आप लोग से मैं बाद में। हुरेन कितनी मस्ती कर रही है मैं आप लोगों को बता दूँ। ऐमन ये ऐमन खेल रही है नुमान के साथ। ऐमन प्ले, किक द बॉल, किक द बॉल। ओके, सो इंडिया में है मेरी बहन की लड़की की शादी है, बहन की बेटी की। तो आप लोग सब उसके लिए दुआ करना, अल्लाह उसको खुश रखे, उसकी नसीब अच्छी करे हुए, आमीन सुबह आमीन। सो आप सब उसके लिए दुआ करना। माशाल्लाह उसकी दो तीन दिन में शादी है, हल्दी मेहंदी भी हो गई। सो मैं ये व्लॉग में थोड़ी सी वीडियो क्लिप डालूंगी कि हमारा एक जो भी फंक्शन होते हैं हम लोग के यहाँ, शादी कैसी होती है, हल्दी और डांस वांस माशाल्लाह। सो हम लोग तो यहीं बैठ के इन्जॉय कर लेते हैं वीडियो कॉल में या वीडियो देख के, क्योंकि जो भी बाहर रहते हैं उन लोग को तो यही है लाइक सब अपने अपनों की शादी में यही इन्जॉय करना पड़ता है। तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह इस व्लॉग में थोड़ी सी वीडियो क्लिप डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना, आप लोग को अच्छा लगेगा माशाल्लाह। ओके, फिर मिलती हूँ आप लोग। सो यहाँ मैं और हुरेन उतार रहे स्नैपचैट पर पिक्चर उतार रहे हुरेन और मैं शाम के टाइम पर यही करते रहते हैं। हम लोग रेडी होते हैं फिर हम लोग पिक्चर उतारते रहते हैं। हम लोग को यहाँ का जाना नहीं होता है ज़्यादातर, तो हम लोग शाम को यही करते हैं। तो बस यहाँ ऐमन खेल रही थी, फिर मैं किचन में चले गई थी। मुझे किचन में आटा बनाना था लाइक रात के लिए पराठा बनाना था और चाय। मुझे ये भूल गई थी कि मैंने फ्रीजर में लाइक मैंने कबाब बना के फ्रोज़न करके रखी थी, मुझे याद ही नहीं था, तो मैंने भूल गई और कबाब नहीं तली। फिर हम लोग ने चाय और पराठा बना लिए थे। आ गई हूँ किचन में, अभी बनाना है आटा बना रही हूँ रोटियां बनाने के रात के लिए, क्योंकि दोपहर तो बस यहाँ मैं कोशिश कर रही थी नमक खोलने की, नमक का डब्बा मेरे से खुल ही नहीं रहा था, बहुत हार्ड था ये नमक। मैं हमेशा लाती हूँ दूसरा वाला नमक, मतलब लाइक यही डब्बा होता है लेकिन उसकी कंपनी अलग होती है, और ये टाइम फैसल लोग ने लेके आए थे। फिर फाइनली मेरा नमक का डब्बा खुल गया, फिर मैंने आटा बना के पराठे बना ली थी और माशाल्लाह चाय भी थी। और दोपहर में जो चिकन के पीस टिक्का और सीख लाए थे वो भी सब पड़ा था, तो माशाल्लाह हम लोग ने वो खा लिए थे। और उसके बाद मुझे रात को याद आया कि मेरे फ्रीज में तो रशियन कबाब भी पड़ी है फ्रोज़न, और हम लोग भूल गए थे। फिर यही सब खा लिए, फिर रात को तो पेट माशाल्लाह भर गया था, फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी खाने की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेक्स्ट डे हुरेन ने रोज़ा भी रखी थी और ये हो गई थी रात। रात को हम लोग देख रहे थे मूवी, इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह सब बैठ के, फिर बच्चे लोग खेल रहे थे, अच्छी न्यू मूवी लगाए थे, बहुत अच्छी मूवी थी। फिर उसके बाद ऐमन और हुरेन का खेल चालू था। तो बस अभी सोने की तैयारी थी, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट डे। सो ये थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जो 7 बजे सुबह में नुमान उठ के चला गया था उसके फ्रेंड के साथ जिम। उसको सुबह सुबह में उठ गया था, आज लोग की छुट्टी थी ये डे में, लाइक वेडनेसडे था तो वेडनेसडे को लेके हॉलीडे होती है। सो उसके फ्रेंड के साथ चला गया था सुबह में उठ के जिम चला गया था, तो वहाँ से वीडियो उतार लिया था। तो मैं बोली, मेरे को बोला कि मम्मा मैंने वीडियो उतार लिया, तो मैं बोली चलो मैं भी ऐड कर लूँगी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये लोग दोनों माशाल्लाह जिम कर रहे थे, ये नुमान का फ्रेंड है। फिर ये लोग थोड़ा बहुत बाहर घूमे, फिर नुमान आ गया था 8:30-9 बजे तक, और अच्छा इन्जॉय किए लोग ने। मतलब सुबह का टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, ज़्यादा ठंडक भी नहीं थी और बहुत अच्छी धूप निकली थी। सो नुमान लोग ने जिम भी किए और थोड़ा बाहर घूमे, फिर आ गया था नुमान घर पे। फिर बस नुमान आ गया था, उसके बाद सुबह के 10 बज गए थे। तो मैंने आप लोग को उस दिन बताई थी मेरी मशीन और ड्रायर में बहुत आवाज़ आ रही थी, तो वो मैंने उन लोग की कंपनी में फ़ोन की थी, तो उन लोग ने एक्सचेंज करके दूसरा भेज दिए थे। लेकिन यहाँ ये है कि सोसाइटी की तरफ से रेंट पे ही, मतलब सोसाइटी की तरफ से ही होता है, बट वो रेंट लेते उन लोग इसका। सो मैंने कॉल करी थी तो उन लोग ने फिर आके एक्सचेंज कर दिए थे। फिर उसके बाद ये वाली कंपनी लगा के गए, लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बस अभी चले हुए तो अच्छा है। फिर मैं अपनी फाइनली जब खुद की ले लूँगी तो ये लोग को रिटर्न कर दूँगी। और मैं उस दिन बनाई थी राइस और चिकन का सालन बना ली थी, आलू के बिना आलू ख़त्म हो गया था, और बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर का लाइक सीज़न बहुत अच्छा था थोड़ा, तो माशाल्लाह मैंने थोड़ी सी वीडियो रेन को बोली उतार लेने के लिए, और मुझे थोड़ा क्लीनिंग भी करना था, सो मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली थी, स्प्रे स्प्रे करके लाइक सब ये
ग्लासेस को करना था, सो थोड़ी हम लोग ने क्लीनिंग कर लिए थे हुरेन और मैंने। ओके सो ये है कुछ थोड़ी सी क्लिप्स जो मेरी बहन की बच्ची की शादी की, सब मेरे भाई और मेरे भाई के बच्चे लोग, बहनों के बच्चे लोग सब माशाल्लाह डांस वांस कर रहे थे, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो सब वीडियो भेजे थे, मैंने आप लोग से भी शेयर कर दी। सो ओके गायज, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गायज, और दुआओं में याद रखना। फिर मिलेगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।